हेलो दोस्तों, इंडिया गेट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 4 मार्च 2021 से छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनते हैं उसके बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए। आज का वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में मनरेगा के तहत काम देने के लिए 71 लाख मानव दिवस दिया गया, किन जिले में दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, धमतरी में दिया गया है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में अब तक 71 लाख से अधिक मानव दिवस सृजित किए गए हैं। योजना शुरू होने से अब तक की यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। गौरतलब है कि जिले में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 85 लाख मानव दिवस सृजित करने के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 71 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं। औसतम 50 लाख मानव दिवस सृजन के लक्ष्य को पार करते हुए आंकड़ा 71 लाख पहुंच गया है। मुख्य कारण, कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री मयंक चतुर्वेदी ने बताया कि कलेक्टर श्री जयप्रकाश मौर्य ने मार्गदर्शन में चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 1,39,000 परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। ये कहाँ किया गया है काम? तो धमतरी में किया गया है। अब धमतरी जिला की बात आई है तो धमतरी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। धमतरी की स्थापना 1998, मुख्यालय धमतरी, मातृत्व जिला रायपुर, रायपुर से पृथक करके धमतरी जिला का निर्माण किया गया है। छत्तीसगढ़ के सबसे छोटी अंतर राज्य वाला सीमा है तो अपना धमतरी है। अभयारण्य सीता नदी अभयारण्य 1974, ये कहाँ है? तो धमतरी में स्थित है। प्रदेश का प्रथम अभयारण्य एवं सबसे प्राचीन अभयारण्य है, 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, जो सीता नदी अभयारण्य। मुख्य नदी महानदी, उद्गम सिवाह पर्वत, लंबाई 858 किलोमीटर, छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर बहती है। सिलियारी नदी उद्गम सिरगिट्टी, मुख्य परियोजना रुद्री बैराज 1915, छत्तीसगढ़ के प्रथम परियोजना है तो रुद्री बैराज परियोजना है। गंगरेल बांध पंडित रविशंकर जलाशय 1978-79, दुधवा जलाशय 1978-1979, मड़सली बांध सिलियारी नदी पर है स्थित है। श्यामल तराई प्रस्तावित लघु औद्योगिक क्षेत्र, बगोद धमतरी मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क स्थित है। हर्बल पार्क की स्थापना की जा रही है धमतरी में। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फोर्स अकेडमी किस जिले में खोला गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कबीरधाम में खोला गया है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। फोर्स एकेडमी का मिशन 500 पहल लाई रंग प्रदेश के 400 युवाओं को सेना पुलिस और अर्धसैनिक बल में हुआ चयन। गरीब बच्चों को IIT की प्रवेश परीक्षा पास कराने के लिए बिहार का सुपर 30 प्रसिद्ध है, इसी तरीके 30 प्रसिद्ध है, उसी तरीके का कार्य छत्तीसगढ़ में कबीरधाम जिले में हुआ है। यहाँ सेना और पुलिस में भर्ती होकर देश सेवा का सपना देखने वाले युवाओं को सपने को पंख देने के लिए फोर्स एकेडमी 500 की स्थापना की गई है। एकेडमी में युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। पुलिस विभाग की इस पहल से अब तक 400 से ज़्यादा युवाएं पुलिस
व अर्धसैनिक बल में नौकरी हासिल कर चुके हैं। वहीं इस साल पुलिस आरक्षक भर्ती फोर्स एकेडमी कबीरधाम में ट्रेनिंग करने वाले 1500 से ज़्यादा युवाओं ने पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा दिए, जिसमें से 300 से ज़्यादा युवा चयनित हुए। यह मिशन जिले के युवाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। तो ये फोर्स एकेडमी कहाँ खोला गया है दोस्तों? तो हमारे कबीरधाम जिला में खोला गया है, और यहाँ से 300 बच्चों का भी हाल ही में जो सीजी पुलिस का रिजल्ट है उसमें चयन हुआ है, और सभी मिला के टोटल 400 से 500 यहाँ से चयनित किया गया है। और यहाँ जो एकेडमी है दोस्तों, गरीब परिवारों के लिए यहाँ पर निःशुल्क फिजिकल की ट्रेनिंग कराया जाता है, तो आप जाके यहाँ अपना ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप कबीरधाम की बात आई है, तो कबीरधाम के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। कबीरधाम की स्थापना 1998 2003 में कवर्धा का नाम परिवर्तित करके कबीरधाम रखा गया है। पहले कवर्धा था, अब लेकिन वर्तमान में उसका परिवर्तित नाम करके कबीरधाम कर दिया गया है। मुख्यालय कबीरधाम, मातृत्व जिला राजनांदगांव और बिलासपुर, इन दोनों से पृथक करके कबीरधाम का निर्माण किया गया है। यहाँ बैगा जनजाति, विशेष जनजाति बैगा यहाँ पर निवास करते हैं। सर्वाधिक गोधना प्रिय जनजाति यहाँ निवास करते हैं। स्थानांतरित कृषि व्यवहार कर्म नित्य छत्तीसगढ़ अंचल का प्राचीन नित्य है। बिल्हा सेना बघौनी ये यहाँ निवास करते हैं, और वहाँ से नित्य इन सब नाम है। खनिज लौह आवश्यक शिल्पी घाटी एकलामा बॉक्साइट बोराइट दलदली से प्राप्त किया जाता है। कवर्धा भोरमदेव शक्कर कारखाना प्रदेश का प्रथम शक्कर कारखाना ग्राम रामपेहपुर में स्थित है। विद्युत उत्पादन क्षमता 6 मेगावाट, गन्ने की खोई अच्छा जो गुड़ बनाने के लिए गन्ने को पेर की किया जाता है, उसके खोई से 6 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना ग्राम कौन से ग्राम में स्थित है? तो विशेषर में स्थित है। 2016 में प्रदेश का चौथा शक्कर कारखाना खोला गया है, तो कबीरधाम कवर्धा में खोला गया है। भोरमदेव अभयारण्य 2001 प्रदेश में नवीनतम भोरमदेव मंदिर छत्तीसगढ़ का खजुरोहो कहा जाता है। 1089 निर्माण गोपाल देव फड़ी नांगवंशी मड़वा महल छेरकी महल का निर्माण रामचंद्र देव द्वारा करवाया गया। हाप नदी का उद्गम कदावानी की पहाड़ी मैकल श्रेणी से हुआ है। बदरगढ़ की चोटी 1176 मीटर मैकल श्रेणी प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। वृष्टि छाया प्रदेश चिल्फी घाटी सैगोन वनों के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ है? तो कवर्धा अर्थात कबीरधाम जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट फैक्टों को आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजेश्वर नेहा उर्फ अशोक बंजारे का छत्तीसगढ़ पुलिस में चयन हुआ, ये किस जिले से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जांजगीर चांपा से संबंधित है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। जांजगीर चांपा जिले में मालखरौदा जनपद के बड़े सिपत निवासी तृतीय लिंग समुदाय ने नेहा उर्फ अशोक बंजारे का चयन छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल की आरक्षक भर्ती में हुआ है। कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने तृतीय लिंग समुदाय से जिले के पहले आरक्षक बनने पर साल श्रीफल अर्थात श्रीफल से उन्हें सम्मानित किया और अपनी शुभकामनाएं दी, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों। यह जांजगीर चांपा से जो थर्ड लिंग है अर्थात जेंडर जिसे किन्नर भी बोलते हैं, वो हमारे जांजगीर चांपा जिले के बड़े सिपत से उसका चयन हुआ है। अब जांजगीर चांपा की बात आई है, तो जांजगीर चांपा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जांजगीर चांपा की स्थापना
1998 मुख्यालय जांजगीर, जांजगीर का प्राचीन नाम जलालय देव प्रथम, मातृत्व जिला बिलासपुर, बिलासपुर से पृथक करके जांजगीर चांपा जिले का निर्माण किया गया है। चांपा किस नदी के किनारे बसा है? तो चांपा हसदो नदी के किनारे बसा है। चांपा का प्राचीन नाम मदनपुर। हसदो नदी का उद्गम कोरिया जिले से हुआ है। रामगढ़ कैमूर पहाड़ी से प्रदेश की सबसे ऊंची मिनी माता बांगोबांग स्थित है। जांजगीर चांपा जिला सर्वाधिक तहसील वाला जिला है। जांजगीर चांपा केवल तहसील है, विकासखंड नहीं। पर्यटन ऐतिहासिक पुरातात्विक क्षेत्र देते हैं। कोटमी सोनार कोकोडाइल अर्थात मगरमच्छों का पार्क यहाँ पर स्थित है। गढ़ियाली प्राकृतिक रूप से संरक्षण किया जाता है। कोटगढ़ छत्तीसगढ़ 36 में से एक शक्ति, छत्तीसगढ़ के 14 देसी रियासतों में से एक रियासत है। शक्ति तो सबसे छोटी रियासतों में गिना जाता है। खैरागढ़ खरौद रामकालीन स्थल खरधूसड़ की वध की घटना। प्राचीन नाम इंद्रपुर, छत्तीसगढ़ का काशी वाराणसी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लक्ष्मण मंदिर गर्भगृह शिवलिंग में स्थित है। शिवरी नारायण रामायणकालीन स्थल विशाल वट वृक्ष, नर नारायण मंदिर, केशव नारायण मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, जो माघ पूर्णिमा में मेला लगता है। दोस्तों यहाँ पर अभी मेला चल रहा है शिवरी नारायण में। श्री राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास के समय सबरी के जूठे बेर यही शिवरी नारायण में खाए थे। किरारी गांव सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ बालपुर साहित्य का तीर्थ स्थल यहीं पर रहा है। लोचन प्रसाद पांडे छत्तीसगढ़ के प्रथम नाट्यकार कलिकाल, इसके जो नाट्यकाल है उसका नाम है कलिकाल। मुकुटधर पांडे छायावादी काव्य के धारा के जनक हैं। कुरी के प्रति अब इन सबको आप याद रखिए। बंसीधर पांडे छत्तीसगढ़ के उपन्यासकार हीरो की कहानी का जन्म स्थल तो जांजगीर चांपा रहा है। दमाऊ धारा महाभारत कालीन स्तोत्र कुंजी सातवाहन कालीन शासक कुमार गुप्त वरदंत श्री शिलालेख जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव साक्ष के यहाँ से प्राप्त किए गए हैं। दाला पहाड़ अकलतरा नाग पंचमी में मेले लगता है। प्रीथमपुर प्राचीन शिव मंदिर कालेश्वर महादेव जो हसदो नदी के तट पर स्थित है और यहाँ पर शिव के नाम से मेला लगता है तो प्रीथमपुर में लगता है। चंद्रपुर में है चंद्रहासिनी माता, किस नदी के किनारे बसा है? महानदी, मांड, लात लत, ये तीनों का संगम स्थल है तो चंद्रपुर में स्थित है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से आपको हेल्पफुल मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियागढ़।